राम राम एनटीभी कोहलपुरको ठारु भाषक समाचारमा स्वागत बा मै कृष्ण चौधरी सुरुमा मुख्य समाचार निर्वाचन हुल 5 महिना ओराई बेर फेसडोर पश्चिम सरकार पूर्णता निपाइल मुख्यमन्त्री सहित 3 मन्त्रीक भर्म प्रदेश सरकार चल्ती पाल्पकटान सेन म खटहरा फटकैना विरुद्ध परल निवेदन अदालत के अन्तरिम आदेश निभेल दरबार क्षेत्र आन्जर पान्जर रहल 57 खटहरा फटकागिल दैलेखको दुर्गम बस्तीमा न बत्ती पुगल पछि स्थानीयको खुसी बाँकी ठाउँमा फेरि थमाधम काम सुरु हो जम्मू काश्मीरमा न भारतीय सेना उपर हमला 5 सैनिक जवान मूल आक्रमणको चरमपन्थी समूह हात अब समाचार विस्तारमा निर्वाचन हुल 5 महिना ओरैलसे फेस दूरपश्चिम सरकार पूर्णता पाइल निहो कांग्रेस नेतृत्वमा न सरकार बनल 3 महिना थियो र हुइबेर फे सरकार विस्तार के काम लिए निस्याकल हो साथ गठबन्धनको 2 घटक नेकपा माओवादी केन्द्र ओ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकार म सहभागी हुइलक निहित कलसे मुख्यमन्त्री सहित 3 जना मन्त्री प्रदेश सरकार चलैती रहल अवस्था देख परल बाट चुनाव लगत एमालेक नेतृत्वमा हुइल समीकरण परिवर्तन हुइल पाछ अब सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस के नेतृत्वमा सरकार बनल बाट कांग्रेस का कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्री बाट ओ कांग्रेस का प्रकाश दिवा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री ओ नेकपा एकीकृत समाजवादी का नरेश बहादुर शाही आर्थिक मामिला मन्त्री बनल बाट अब सरकार हन 5 वर्षसम्म नै टिकैना सहमति रहल मार उह अनुसार छतह सरकार विस्तारको काम हुइना सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह बटैल बाट प्रदेशवासीको आवश्यकताको आधारमा बजेट बनाइना काम गर लागल सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश बहादुर शाही जानकारी दिहलबाट अदालतमा परल रिट निवेदनको काल बेफाइक बहस पाछ उच्च अदालत अन्तरिम आदेश दिए अस्वीकार करलबाट अदालत रिट निवेदन मन उठैलक विषय म महत्व गम्भीरता ओ संवेदनशीलता हन आधार मानखन अन्तरिम आदेश निदिहेल हो तानसेन नगर सरकार पाल्पा दरबार हो सुन्दरता देना कर्खन विश्व पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा आग बढाइना उद्देश्यले पाल्पा दरबार क्षेत्रको संरचना भत्कैना निर्णय विरुद्ध अदालतमा रिट निवेदन परल रह 2079 चैत 29 गते घरटहरा भत्कैना विरुद्ध मंगरक मंगल प्रसाद मंगोले सहितका व्यवसायी उच्च अदालत मन रिट निवेदन दिहेल रह अदालत बेफै छलफल कलाक बलैलक नगर सरकार काम स्थगित करल रह अदालत अन्तरिम आदेश निदिहेल पाछ आज सुकक फे काम सञ्चालन हुइना नगर सरकारको प्रवक्ता यादव सिंह कार्की जानकारी दिहेलबाट नगरपालिका बुधबार नै दरबार संग्रहालय परिसरको तानसेन स्थित शीतलपाती मूल ढोका ओ उहर सडक क्षेत्र अनुसार आन्जर पान्जर रहल 57 घरटहरा फटका स्याकलबा गुल्मी मन आगी बुटैना ब्याला मन जर्खन एक जन मोल बाट कलसे एक जन गम्भीर घाइतिया हुइल बाट जिल्लाक धरकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 3 क 13 वर्षक दीपक मुखियक पाल्पक पाल्पा मन उपचारको ब्याला आस बिहान खन मृत्यु हिलक जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीकै प्रहरी परीक्षक प्रहरी नायक परीक्षक दिल्ली नारायण पाण्डे जानकारी दिहलबाट आगी बुटैना ब्याला मन ढुर्केट गाउँपालिका वडा नम्बर 3 क 55 वर्षक धनुबहादुर जोगी कुँवर गम्भीर घाइतिया हुइलबाट घाइतिया कुँवर ठप उपचार के लाग बुटवल लैगिल प्रहरी नायक परीक्षक पाण्डे जनैलबाट हुकाहार अवस्था गम्भीर रहल प्रहरी जानकारी दिहलबा ढुर्केट गाउँपालिका के वडा नम्बर 3 हाट हाडे बडवास बन्नो मन कालसे लगलक आगी बुटाए गैलक ब्याला मन शरीर के बाहेर भाग पुरा जरल प्रहरी जानकारी दिहलबा बन्नो मन लागल आगी बुटाए प्रहरी स्थानीय खटगिलबाट आगी नियन्त्रण मन आइस्याकल नि हो समाचारको क्रम जारी रहलबा अबक्ला के खचि विषय
विशाल बासा फिर स्वागत बा आप बांकी समाचार दांगमन स्थानीय सरकार अति विपन्न परिवार के विद्यार्थियों का निःशुल्क लोक सेवा पढ़ाई शुरू करल बाट अब दुई महीनासम लोक सेवा तैयारी कक्षा संचालन हुई रहल बा जहाँले करबेर लोक सेवा मन रुचि हुईलक हुकन म कक्षा लिहे सहस हुईना देख पड़ल बा लमही नगरपालिका वडा नम्बर 7 निवासी रेशमा चौधरी सरकारी सेवा करना रहर रहल बाटन ओ फे ऊ रहर पूरा कर ऊ लोक सेवा का तैयारी कर लागल बाटी किताब किनक पहरक केल निहुट आंब ऊ प्रत्यक्ष कक्षा लेना योजना बनैल बाटी ई योजना सफल हुईल निरलहीन स्थानीय सरकार लोक सेवा तैयारी कक्षा संचालन करल पाछ उहाँ सहज हुईल बाटन गोराही तुलसीपुर ठाउँमा जानु पर्थ्यो यस लमैमा लोक सेवा कक्षा संचालन गर्ने ठाउँ राम्रो थिएन आजभोलि सजिलो भएको छ 7 नम्बर वार्ड कार्यालयले सञ्चालन गरिदिएको भएर लोक सेवामा रुचि रहल विद्यार्थी निःशुल्क तयारी कक्षा सञ्चालन करल बा लमही नगरपालिका वडा नम्बर 7 खरिदार ओ सोच सरह पटक तयारीक लाख 2 महिना निःशुल्क कक्षा सञ्चालन करल हो आपन ओडाक आर्थिक अवस्था कमजोर रहल व्यक्ति हुकन लक्षित कैक कार्यक्रम सञ्चालन करल लमही नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष मोहन गिरी बटैल बाट लोक सेवा आयोग तयारी क्लासबाट हामी चाहिँ नि जागिरमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने थियौँ भन्ने व्यापक माग भयो बमोजिम सेपटमा जानको चाहिँ नि यस वडा कार्यालयमा माग सङ्कलन गर्दा निवेदन सङ्कलन भएअनुसार हामीले यस वडाबाट यो विकास निर्माणको चाहिने बजेटबाट पूर्वाधार बजेटबाट 8 लाखको चाहिने रकम विनियोजन गरेर अहिलेलाई 2 महिनासम्म को लागि छ अब फे मेरमेरिक स्थानका लोक सेवा इन्स्टिच्युट हुक्र 25,000-30,000 मासिक शुल्क लेना करलबाट ओडा कार्यालय निःशुल्क पढाइ लागल पाछ लोक सेवाको तयारीमा जुटल विद्यार्थी जोस जाँगर थपल बाटन लुम्बिनी प्रदेश दाङसे दशरथ घिमिरेक सङ्घ लीला चौधरी एनटिभी कोहलपुर दैलेखको दुर्गम बस्तीमा बत्ती पुगल बा 90 ठो ओडा रहल दैलेखको 73 ठो ओडामा न बत्ती पुगल पाछ स्थानीय खुसी देख परल बाट विगत 3 वर्ष से कामक जिम्मेवारी लिहल तर काम हुन प्रभावकारी बनाएनी स्याकल निर्माण कम्पनीसँग जिल्लावासी मसे बारम्बार टाकेटा हुईल पाछ काम प्रभावकारी हुईल बाट दैलेख के 11 ठो पालिका हुईती मेरमेरिक 73 ओडा मन बत्ती पुगल बाट कलसे बाँकी ठाउँ मन फे धमाधम काम सुरु हुईती रहल डेकपरल बाट ग्रामीण विद्युतीयकरण अभियान अन्तर्गत 3 वर्ष आघ दैलेख के संघीय सांसद रविन्द्र राज शर्मा निर्वाचन क्षेत्र विकासक सक्कु रकमक विद्युतीकरण अभियान मजासँग प्रभावकारिता बढाएलबाट 18 ठो ठेकक काम हुन प्रभावकारी बनाए जिल्ला तहक नेता हुक र जिल्ला प्रशासन क सक्कु जहन क सक्रियता पाछ अब 73 ओडा मन बत्ती पुगल बा कर्णालीक 9 जिल्ला मन बत्ती नि पुगल पाछ न पाछ आन्तरिक उत्पादन मन दैलेख सदरमुकाम भरिक लोड सेडिङ मुक्त बनलबाट दैलेख के चुप्रा मन बन्ना तयारी मन रहल 133 केभी प्रसारण लाइन बनखन ओरैलसे दैलेख पूरा रूपमा न विद्युतीय उपभोग कर्णालीक पहिलक जिल्ला बन्ना फेर देख परल बा रूपन्देहीक सियारी गाउँपालिका मुस्लिम समुदायको पर्व रमजानको अवसरमा मस्जिद मन पुखन फलफुल वितरण करल बाट मस्जिद समुदायक पर्व रमजान के बयार लाग बेरफे सियारी गाउँपालिकक पालिका भित्र सकु मस्जिद मन पुखन फलफुल वितरण करलग हो सियारी गाउँपालिकक अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरे उपाध्यक्ष तारा थारू ओडा अध्यक्ष हुक्र दीपक बहादुर शाही श्रीराम यादव रामचन्द्र कुर्मी लगायत पालिकाभित्र सञ्चालनमा रहल 8 ठो मस्जिद मन पुखन 1 मस्जिदसन 5,000 बराबरके फलफुल डिहलबाट रोजा वर्त बैसल मुस्लिम समुदाय हन रोजा
ख्वालल पाछ खाए मिलना करखन स्याउ क्यारा समतवाला ओ खरबुजा लगायत के फलफूल देगिल गाउँपालिका के अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरे जानकारी दिहलबाट स्थानीय सरकार सक्कु धर्म व समुदाय हन समान व्यवहार करना उल्लेख करते सक्कु धर्म वर्ग व समुदाय के साथ मन स्थानीय सरकार रहल उल्लेख करल ई पर्व में एक महीना भर मुस्लिम समुदाय बिहान खन सूर्य उठना आघ दिन निबुरल पानी समेत निपित मुस्लिम समुदायक पर्व रमजान क शनिबार अंतिम दिन रहलवा। गुल्मी जिल्लक रेसुङ्गा नगरपालिका मापदण्ड विपरीत संरचना फटकाई लागलबाट जिल्ला सदरमुकाम मन टमघास बजार क्षेत्रमा रहल घरक पेटी फटकाए लागल हो। बजार क्षेत्रमा रहल साकिर व्हील पाछ पैदल यात्रा करना हुकन समेत न्याङ्ग कर्रा व्हील पाछ नगरपालिका सडक ड्युमन रहल घरक पेटी फटकाए लागलबाट नगरपालिका कुछ दिनमा आघ घर धनी स्वयं हन अपनहे फटकाए कति रेखाङ्कन समेत करल रह तर घर धनी निभटकाइल पाछ नगरपालिका डोजर प्रयोग करख फटकाए लागल। रेसुङ्गा नगरपालिकक नगर प्रमुख खिलढोस पन्थी जानकारी दिहलबाट तमघास बजार क्षेत्रक सडक कालोपत्रे फटकाइल पाछ के कालोपत्रे करना काम हुइती रहलबाट बजार क्षेत्रक मापदण्ड विपरीत क घरक पेटी फटकाइल पाछ कालोपत्रे करना काम आग भर्ना हुइलबाट बजार क्षेत्रमा फे कालोपत्रे कर शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय भैरहवा काम आग बढाइलबा। समाचारको क्रम जारी रहलबा फेरो से घचि बिसाइ अपनाब एनटीभी कोहलपुर हेर्टी रहल बाटी आप बाँकी समाचार। डोटीमन 87 जन महिलन मातृ शिशु सेहार आहारा वितरण करगिलबाट काल बिहिबार पूर्वी चौकी गाउँपालिका के 5 काँडा मान्डौ मन मातृ शिशु आहारा वितरण करगिलग हो। मानवीय सेवा मन अनेकौँ प्रयास संस्था 87 जन 112 महिनासम्मक लड़का पर्कन के दाई हुकन सामान वितरण करल। संस्था के अध्यक्ष भक्तराज जोशी जानकारी दिहलबाट ग्रामीण क्षेत्र में बैसना डाइन ओ लड़का पर्कन क स्वास्थ्य विकास में डांचे हुईल से फे राहत पुगना उद्देश्य के साथ राहत वितरण कैगिलग हो। रामप्रसाद उपाध्याय मातृ शिशु आहार वितरण कार्यक्रम मन डाई ओ लड़का पर्कन धेर राहत पुगना जानकारी दिहलबाट। आप विदेशी समाचार। भारतीय सेना ऊपर आतंककारी आक्रमण हुईबेर 5 सैनिक जवान को ज्यान गेलबाट जम्मू कश्मीर का पूछ कना इलाका मन भारतीय सेना का गाड़ी मन लक्षित कैखन प्रहार करल ग्रेनेड आक्रमण में परखन 5 भारतीय सैनिक का ज्यान गेलबाट। भारतीय सैनिक के अनुसार बेफेक दिन का करीब 3 बजे समय मन सेना बैठल गाड़ी में आतंककारी हुकर हाते ग्रेड के आक्रमण करल रह वाकर पास गाड़ी मन आग लागी हुई रह। ये आक्रमण में परखन राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान का ज्यान गैलबाट। भारतीय सेना का नरदम कमांड हेडक्वार्टर ये आक्रमण क चरमपन्थी समूह घाट रहल जानकारी दिलबाट ज्यान गैल जवान क यी क्षेत्रमा आतंककारी कार्यमा संलग्न के विरुद्धमा चलैलक अभियान तैनात रहल ब्यालमन हुकन क ज्यान गैलग हो। आक्रमण मन एकजना जवान गंभीर घाइत्या रहल व हुकाहार दवाई हुइटी रहल सैनिक अस्पताल जानकारी दिहलबा। अब खेल समाचार। एसीसी प्रीमियर क्रिकेट कप अन्तर्राष्ट्रिय ओमान विरुद्धक खेलमन नेपाल 5 विकेट लिहलबाट नेपालको स्पेनसर सन्दीप लामिछानेको घाटक बोलिङ से ओमान संकट मन जितको लाग 311 रनक विशाल विजयी लक्ष्य पछ्याल ओमान 5 विकेट गुमाखन 24 ओभरक समाप्तिमा 109 रन केल ज्वारलबाट। याकर आघ नेपालको लाग सन्दीप लामिछाने 3 ललित राजवंशी व सन्दीप ऐरी 1-1 विकेट लिहलबाट ऐरी
22.5 ओभर मन आउट हिल आयन खान 28 बल मन 29 रन बनाएलबाट स्पेन्सर ललित नाथ राय राज वंश सतिन्दर सिंह 15 रन मन बोल्ड करबेर सन्दीप 13 औं ओभरक 63 बल मन विकेट किपरक आदिल सफिक हन 13 रन मन एलबीडब्ल्यू आउट करलक रह ओभरक अन्तिम बल मन सन्दीप कप्तान जिसान मकसुदह 0 मन बोल्ड करल रह सन्दीप और ओभरक पहिलक बल मन ओपनर कश्यप प्रजापति 25 रन मन एलबीडब्ल्यू आउट करल बाट समाचारको अन्तमा फेडोस एकफेरा मुख्य समाचार निर्वाचन हुल 5 महिना ओराई बेरफेसुडुर पश्चिम सरकार पूर्णता नेपाल मुख्यमन्त्री सहित 3 मन्त्री घरमा प्रदेश सरकार चल्ती पालपक्टान सेन म घरटहरा फटकैना विरुद्ध परल रिटमा अदालतके अन्तरिम आदेश निभेल दरबार क्षेत्र आन्जर पाञ्जर रहलसन फटकागिल दैलेक क दुर्गम बस्ती मन बत्ती पुगलपास स्थानीय र खुसी बाँकी ठाउँमा फिट माधम काम सुरु ओ जम्मू कश्मीर मन भारतीय सेना उपर हमला 5 सैनिक जवान मूल आक्रमण क चरमपन्थी समूह खात लिटो समाचार क क्रम अटरह मैफे बिदा हिटु राम राम।